हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि टैली ईआरपी 9 में हम जब कोई एंट्री उधार की करते हैं, सपोज कीजिए कि 50,000 का माल हमने खरीदा और 20,000 रुपए ही हम दे पाए, हमारी दोस्त की दुकान है और वहां 20,000 रुपए दे पा रहे हैं और 30,000 रुपए हम बकाया लगा दे रहे हैं, तो ऐसी एंट्री हम टैली में करें तो करें कैसे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पर आ चुके हैं। हमारे पास एक रमेश यादव नाम की एक कंपनी है और इसमें हम एंट्री करने वाले हैं, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे, ठीक है, और यहां पर हम परचेज बाउचर में, हमें सेल्स बाउचर में चलना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से F8 प्रेस करेंगे ताकि हम सेल्स बाउचर में आ जाएं। तो यहां पर हम मैंने बाउचर टाइप मेंशन कर रखा है, तो यहां पर सेल्स बाउचर में हम आ चुके हैं। अब यहां पर रेफरेंस देना है, तो मैं रेफरेंस में 123 ये रेफरेंस नंबर डाल देता हूं, क्लियर। अब यहां पर आपको क्या देना है, सेल्स बाउचर में जब एंट्री करते हैं तो यहां पर डेटर का नाम देते हैं, मैंने पहचान के लिए यहां क्रेडिटर और डेटर लिख दिया है, ठीक है। तो यहां पे डेटर हमने कर दिया। अब यहां पर जो हम हमारा पूरा डिटेल है वो सामने आ गया है, मोड ऑफ पेमेंट वगैरह आप दे सकते हैं, मैं इसको जल्दी जल्दी ओके करता हूं, ठीक है। अब यहां पर हम आ चुके हैं, तो यहां पर हम कंप्यूटर का लेजर हमने पहले से बना रखा है, 14 आइटम हमारे पास कंप्यूटर की थी, तो अभी हम चलेंगे देवरिया गोडाउन में और यहां से हम 3 कंप्यूटर को सेल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर 3 कंप्यूटर की कीमत आ गई है 75,000 रुपए और हम इसको कर देंगे सेल, ओके। तो अभी हम इसको सेल कर रहे हैं, यहां पे इसको मैं नो करता हूं, ओके। मैं इस पर अभी जीएसटी नहीं लगा रहा, आगे की वीडियोस में मैं आपको जीएसटी लगा के भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमने सेल कर दिया, हमने पूरी एंट्री कर ली, ठीक है। यानी एंट्री कितने की करी हमने, 2 अप्रैल को ये एंट्री बनी है। आइए डिस्प्ले में चलते हैं, देख लेते हैं, ये सेल्स की एंट्री है 2 अप्रैल की, ठीक है, नीचे वाली। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, तो ये हमारी एंट्री है, ठीक है। तो हमने 75,000 रुपए की खरीदारी कर ली है, लेकिन हमारे पास है सपोज कीजिए 50,000 रुपए। तो अभी हमारे दोस्त की दुकान है तो हम कुछ पैसे बाकी लगाएंगे, यानी 25,000 रुपए हम बाकी लगाएंगे। तो बाकी की एंट्री हम कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो हमें जाना है सीधे अकाउंटिंग बाउचर में, ठीक है। अकाउंटिंग बाउचर में चले हम, और हमको पता है कि रिसिप्ट बाउचर में जाने के लिए F6 प्रेस करते हैं, तो यहां F6 प्रेस किया, ठीक है। यहां पर हमें सिंगल एंट्री मोड में ही रखेंगे, और अब यहां पर हमें कैश देना है, कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां पे कैश दे दिया हमने। और अब यहां पर क्या देना है आपको, यहां पर हमें डेटर पार्टी का नाम देना है, ठीक है, रामू डेटर जो हमारा पार्टी है उसका नाम दे देंगे हम, ठीक है। अब ये कितना रुपया दे रहे हैं उसकी डिटेल यहां पर आएगी, यानी 50,000 रुपए ये दे रहे हैं, तो मैं यहां पर 50,000 रुपया की एंट्री कर देता हूं, और यहां पर आएगा अगेंस्ट रेफरेंस, ठीक है, और ये नीचे वाली एंट्री है, तो इसको ओके करेंगे हम, और यहां से इसको प्रेस करके और इस एंट्री को रिसीव करा देंगे हम, ओके कर देंगे। अब हमको ये समझना है कि इसका बिल हम कैसे देंगे, तो बिल देने के लिए हम सबसे पहले यहां से एस्केप बटन प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं, और यहां पर D 2 बार प्रेस करिए आप तो डिस्प्ले में आ जाएंगे हम, ठीक है। और हमें कहां जाना है, मीटर दिया हुआ है यहां पर हमको जाना है, हमने 50,000 रुपया ही दिया है तो हमें 50,000 रुपए का बिल मिलेगा। यहां पर इंटर करेंगे और अल्ट के साथ आप पी दबाइएगा तो यहां से ये प्रिंट निकलने लगेगा। मैं इसको सेव करता हूं क्रेडिट के नाम से, क्रेडिट, ओके। और इसको हम देखेंगे अभी कि बिल हमारा कैसे आया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं हम, ये हमारा पिक्चर में जाके सेव हुआ है, यहां पे आते हैं और ये क्रेडिट के नाम से सेव हुआ है, तो क्रेडिट ये रहा हमारा। अब देखते हैं इसका बिल, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमें 50,000 का बिल मिल रहा है और रामू डेटर के नाम से ये बिल है, ठीक है, और ये अगेंस्ट रेफरेंस है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरह से करके हम परचेज में भी बना सकते हैं, उधार और कैश दोनों की एंट्री इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ पैसे हमें कैश दे रहा है और कुछ पैसे उधार दे रहा है, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगेगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।